कर्नाटक के बाद अब तमिलनाडु में अमूल दूध की एंट्री पर विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक में अमूल और नंदिनी के बीच विवाद छिड़ा था, जबकि तमिलनाडु में ये विवाद अमूल बनाम आवन के बीच है। अमूल बनाम आवन विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है। इस खत में सीएम स्टालिन ने गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि वो इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और अमूल को आवन के मिल्क शेड से दूध खरीदने से रोके। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि अमूल ने कृष्णागिरी जिले में चिलिंग सेंटर और प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए अपने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव लाइसेंस का इस्तेमाल किया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि अमूल ने तमिलनाडु के कृष्णागिरी, धर्मपुरी, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुपुर, तिरुपथुर, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर जिलों और उसके आसपास मौजूद FPO और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए से दूध खरीदने की योजना बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री शाह को लिखे खत में स्टालिन ने आगे लिखा कि भारत में ये एक नियम रहा है कि सहकारी समितियों को एक दूसरे के मिल्क शेड एरिया का उल्लंघन किए बिना फलने फूलने दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह एक दूसरे की खरीद में हस्तक्षेप ऑपरेशन व्हाइट फ्लड के खिलाफ है और दूध की मौजूदा कमी के सिनेरियो को देखते हुए इसके कारण कंज्यूमर्स के लिए समस्याएं बढ़ेंगी। बता दें, इससे पहले कर्नाटक में अमूल दूध के एंट्री पर विवाद बढ़ गया था। विधानसभा चुनाव से पहले इसको लेकर वहां की सियासत काफी गर्मा गई थी। राहुल गांधी से लेकर DK शिवकुमार और तमाम नेता नंदिनी का मुद्दा उठाते रहे और ये भी एक कारण था कि जनता के असली मुद्दे को उठाकर उनके बीच कांग्रेस ने अपनी जगह बना ली। उस वक्त कांग्रेस और JDS ने तत्कालीन सरकार यानी BJP पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार लोकल ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश कर रही है। बेंगलुरु में होटल मालिकों ने अमूल के उत्पादों का बहिष्कार का ऐलान किया था। किसानों ने भी लोकल ब्रांड नंदिनी का ही इस्तेमाल करने को कहा था। अब कुछ ऐसे ही हालात तमिलनाडु में भी बन रहे हैं। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने ट्विटर पर इस खत की फोटो भी शेयर की है और इसके साथ ही उन्होंने लिखा, तमिलनाडु में अमूल को ऑपरेट करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। यह आवन के हित के लिए हानिकारक है और कोऑपरेटिव्स के बीच अनहेल्दी कंपटीशन पैदा करेगा। रीजनल कोऑपरेटिव्स राज्यों में डेयरी विकास की आधारशिला रही है और कंज्यूमर्स को संलग्न करने और उनका पोषण करने के लिए बेहतर स्थिति में है। इसलिए मैं माननीय अमित शाह से अनुरोध करता हूं कि अमूल को आवन के मिल्क शेड एरिया से दूध खरीदने से रोकने का निर्देश दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।